DSLR कैमरा इतने महंगे क्यों होते हैं? असल में दोस्तों ये सवाल आज से नहीं बल्कि 1986 के टाइम से है, जब नाइकॉन कंपनी ने दुनिया का सबसे पहला कॉमर्शियल DSLR कैमरा लॉन्च किया था। लेकिन उस टाइम पे भी इसकी कॉस्ट लगभग 2,43,000 के आसपास थी। और बात अगर प्रेजेंट टाइम की जाए तो आज की डेट में भी एक एवरेज DSLR की कॉस्ट लगभग 50,000 के आसपास है। लेकिन आखिर ये कैमरास इतने महंगे क्यों है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। असल में दोस्तों किसी भी DSLR को दो चीजें कॉस्टली बनाती है, पहला सेंसर और दूसरा प्रोसेसर। दरअसल दोस्तों एक DSLR के अंदर काफी ज्यादा हाई सेंसर्स का यूज किया जाता है, जिससे हमारी फोटोज और वीडियोस काफी अच्छी आती है। और इन्हीं सेंसर्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हाईटेक प्रोसेसर का भी यूज किया जाता है, जो ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी को बढ़ा देता है। और इसीलिए एक DSLR की कॉस्ट इतनी हाई होती है।